इस आज हम बात करेंगे टमी टाइम के ऊपर। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि टमी टाइम क्यों देना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, ये कब से करना चाहिए अगर हमें देना चाहिए तो, और टमी टाइम से क्या बच्चे को तकलीफ हो सकती है, क्या फायदा हो सकता है, इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीओ प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले चलिए जानते हैं कि टमी टाइम होता क्या है। टमी टाइम में है ना, बच्चे को पेट के बल सुलाते हैं किसी भी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे। नंबर टू की टमी टाइम कब से देना चाहिए। टमी टाइम आप है ना, जैसे ही आपका बच्चा 2 महीने के ऊपर हो जाता है, ये 2 महीना 2 महीने से ऊपर आप देना शुरू कर सकते हैं। नंबर थ्री, टमी टाइम किस तरह से कराना चाहिए चलिए जानते हैं। आपको थोड़ा सा हार्ड सरफेस पे बच्चे को टमी टाइम देना है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बेड थोड़ा सा हार्ड है तो उसके ऊपर कंबल बिछा दीजिए और बच्चे को उसके ऊपर रख दीजिए पेट के बल, और 1-2 सेकंड के लिए ही देखिए करना है स्टार्टिंग में। अगर बच्चा उस कंफर्टेबल नहीं है और रो रहा है तब क्या कर सकते हो, आप लेट लीजिए और अपने बच्चे को अपने ऊपर लेटा के रखिए। स्टार्टिंग के 15 दिन 15-20 दिन तक आप ऐसा करेंगे ना तो बच्चे को आदत होने लगेगी टमी टाइम की, तो उसके बाद आप है ना बिस्तर पे कर सकते हो। नंबर फोर, जब भी आप है ना बच्चे को टमी टाइम दे रहे होगे ना, बेड पे या फिर हार्ड सरफेस पे कहीं भी आप दे रहे रहेंगे ना, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको भी लेट के उसको है ना आवाजें देनी है, तरह तरह की आवाजें देनी है, उसको बुलाना है, या फिर उसके सामने उसके फेवरेट टॉयज रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा ना धीरे धीरे मुंडी ऊपर करने की कोशिश करेगा और आप को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा या फिर अपने फेवरेट खिलौने पकड़ने की कोशिश करेगा। नंबर फोर, कितने टाइम के लिए टमी टाइम देना चाहिए और कितने देर तक देना चाहिए और कितने बार रिपीट करना चाहिए चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग अभी आप कर रहे हो ना तो फिर 30 सेकंड्स तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे 1 मिनट कीजिए और इसे है ना 1 मिनट से 5 मिनट और 5 मिनट से 10 मिनट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो टमी टाइम को, और इसे है ना दिन में 3 बार रिपीट कीजिए। तो इससे बच्चे की जितनी भी गैस की तकलीफ होगी ना पेट की, सब क्योर होने की चांसेस हो सकते हैं। ले फटाफट से जानते हैं कि टमी टाइम देने के फायदे क्या है, और अंत में आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है टमी टाइम देते समय। पहला फायदा, सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे को गैसेज की जो तकलीफ होती है ना 5 महीने तक रहती है, 5-6 महीने तक रहती है, क्योंकि इस दौरान बच्चा है ना सिर्फ दूध पे डिपेंड रहता है और दूध में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिससे गैसेस होती है, तो बच्चा ना गैसेस से ही परेशान रहता है, रोता रहता है। अगर आप टमी टाइम देना शुरू करेंगे ना तो उसके जो गैसेस है वो अच्छी तरीके से रिलीज होती है, क्योंकि है ना आपने देखा रहेगा जब तक बच्चा पलटी खुद नहीं खाता है तब तक है ना वो सीधा ही लेटा रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती है गैसेस की वजह से। अगर आप टमी टाइम देंगे ना उससे ना उसको रिलीफ महसूस होगा। लेकिन फायदा ये है कि बच्चा को आप जब लेटाते हो तभी है ना वो धीरे 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 सर ऊपर रेज करता है, हाथों को रेज करता है, जिसकी वजह से कंधे की जो यहाँ के मांसपेशियां है वो मजबूत होती है और गर्दन जो है यहाँ का एरिया भी इसकी एक्सरसाइज होती है, जिसकी वजह से वहाँ जो है मजबूती आती है। नंबर थ्री, जब आप टमी टाइम देते हो ना तो वो यहाँ की एक्सरसाइज होने की वजह से बच्चा जो है गर्दन अपनी जल्दी संभाल लेता है, क्योंकि यहाँ के मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। इससे इतना पॉइंट नंबर फोर है कि इसके बाद ना जब आप टमी टाइम दे देते हो ना तो बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है, वो इसलिए क्योंकि दिन भर बच्चा सीधा ही लेटा रहता है जिसकी वजह से उसे बैक में अजीब सा फील होने लगता है। अगर आप उल्टा पेट के बल करोगे तो एक एनवायरमेंट मिलता है उसको। नंबर फाइव, अगर आप टमी टाइम देते हो ना तो उसके वजह से कि जो फ्लैट हेड की जो समस्या होती है ना वो बच्चों में काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा लेटे रहते हैं और स्टार्टिंग के दिनों में ज्यादातर सोते रहते हैं, तो उसके वजह से एक जगह उनका जो सर है दब जाता है, जिसके वजह से एक साइड से सर जो है चपटा हो जाता है। अगर आप दिन में 3-4 बार टमी टाइम देते हो तो फिर उससे है ना वहां पर जो प्रेशर लग रहा रहता है सर पे वो कम होता है और जो फ्लैट हेड की जो समस्या है बच्चों में नहीं होती है।
नंबर सिक्स, ये एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि बच्चा ना पूरा पूरा दिन सोता ही रहता है, ना बैठता है, ना कहीं जा सकता है, एक ही जगह पे रहता है, जिसकी वजह से उसे बोरियत फील होने लगती है। अगर आप टमी टाइम देते हो ना, तो उसके लिए अलग एनवायरमेंट हो जाता है, और टमी टाइम की वजह से ना वो एक अलग से एक्सरसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की थकान होने लगती है और उसे अच्छी नींद आती है। कई बार ना पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि उनका बच्चा पूरा पूरा दिन सोता नहीं है और पूरा दिन जागता रहता है, इसकी वजह से वो इरिटेट रहता है। अगर आप टमी टाइम शुरू कर दिए है ना, तो फिर आप नोटिस करोगे बच्चा रिलैक्स होकर सोता है। नंबर सेवन, ये लास्ट पॉइंट है इसके फायदे का, कि है ना जब आप टमी टाइम बच्चे को देते हैं ना, तो बच्चा है ना पलटी खाना बहुत अच्छी तरीके से सीख लेता है, क्योंकि उसे मालूम होता है किस तरह से पलटी खाना है, किस तरह से पलटना है, तो जल्दी जल्दी वो सीख लेता है बच्चा। और देख सकते हैं इतने सारे फायदे हैं टमी टाइम देने के। तो अगर आपका बच्चा 2 महीना है, 2 महीने से ऊपर है, तो टमी टाइम शुरू कर दीजिए और बहुत सारे फायदे को एंजॉय कीजिए। पर रुकिए, आगे भी जान लीजिए कि आपको टमी टाइम देने से पहले क्या क्या चीजों के बारे में जानना चाहिए, क्या क्या जो सावधानियां है वो जाननी चाहिए। पहली सावधानी आपको रखनी है कि जब भी आप टमी टाइम दो, तो उसके साथ वहीं पे बैठो, कहीं और नहीं जाओ। इसलिए कभी कभी क्या होता है ना, तो बच्चा टमी टाइम सीख रहा होता है, गर्दन नहीं संभाल रहा होता, थोड़ा सा वो अब गर्दन ऊपर करता है ना, उसके नाक जो है फ्लोर से टच हो जाती है, और जिसके वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो इस टाइम पे आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, वहीं पे बैठे रहना है। दूसरी चीज, कब तक करना है ये टमी टाइम, जब तक बच्चा है ना रोल ओवर करना सीख ना लेता है। रोल ओवर करना सीख लेता है ना, तो वो ऑटोमेटिक अपना ना टमी पे ही आ जाता है, तो वो एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर उससे पहले आपको करना है। नंबर थ्री, टमी टाइम आप तभी दीजिए जब बच्चा ज्यादा एक्टिव है। बच्चा अभी सो के उठा है तो नहीं दीजिए, क्योंकि है ना इरिटेट करेगा। अगर बच्चा रो रहा है तभी भी टमी टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि उस एंजॉय नहीं करेगा, रोता रहेगा। जब बच्चा है ना अच्छे से खेल रहा है, तब उस टाइम पे टमी टाइम दीजिए। इससे ही पॉइंट नंबर फोर है कि बच्चा अगर फीड कर लिया है, तो उसके आधा घंटे बाद उसे टमी टाइम दीजिए, क्योंकि है ना अगर आप तुरंत दोगे ना, तो जितना भी उसने फीड लिया है सब निकाल देगा उल्टी कर। इसलिए उसके आधा घंटे बाद टमी टाइम दीजिएगा। यहाँ तक आपको होप्स समझ में आ गया रहेगा कि टमी टाइम क्या है, उसके फायदे क्या है, और टमी टाइम देने के टाइम पे क्या क्या सावधानियां आपको बरकरार रखनी है। आज का जो वीडियो है यहीं तक था, होप्स अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रिय प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है ना, धन्यवाद।